स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के बारे में शॉर्ट में जानकारी देना जा रहा हूँ। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना है क्या? सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये केंद्र सरकार की योजना है और कक्षा 6 से लगा के 10 तक के बच्चों के लिए है और उनकी उम्र सीमा 10 से 15 साल होनी चाहिए। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना को लाने का क्या उद्देश्य है? तो साथियों, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच विकसित करना इसका उद्देश्य है। साथ ही नए आविष्कार बच्चे करें या उनमें उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाने का और उसको एक तरह से एक राशि, सहयोग राशि प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने की योजना है। साथियों, ये हमारी योजना इंस्पायर्ड अवार्ड है, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रतन प्रतिष्ठान जो इंडिया के जो दो संस्थाएं हैं मिलकर इसको चला रही हैं। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के को कुछ नए आइडियाज़ लेकर आने होते हैं जो जन कल्याण से जुड़े हों और साथ ही कम खर्चीले हो और जिसका उपयोग किया जा सके, जो किसी समस्या के समाधान के रूप में हो, उस तरह के आइडियाज़ लेकर बच्चों को आने होते हैं। और साथ ही जो भी आइडियाज़ आप ला रहे हो वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, आप पुराने आइडियाज़ को इसमें उपयोग नहीं करें, क्योंकि पुराने आइडियाज़ आप लाओगे तो कोई मतलब नहीं उसका। आपको बिल्कुल फ्रेश और अपना खुद का जेनुइन, आप किसी दूसरे की नकल ना करें, और कुल मिला के जो भी आप मॉडल बनाओगे वो आपका नया होना चाहिए। तो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना का जो फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन करने का प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाके इसकी वेबसाइट है वो क्लिक करनी है। आपको लिखना है गूगल में जाके सिंपल सा इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर्ड अवार्ड लिख देंगे आप तो यहाँ पर आपकी पहली पहली वेबसाइट जो खुलेगी वही हमारी स्पाइड अवार्ड की वेबसाइट है। मैं आपको बता दूं, सभी स्कूलों को इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त होते हैं और उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप अपने स्कूल के बच्चों का नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप जा सकते हैं और जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर आपका स्टेट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल का नाम, जो भी ईमेल आईडी। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड, आप जो ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ करेंगे उस ईमेल आईडी पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर आपको सीधा लॉगिन करना होता है। लॉगिन का यहीं पर नीचे ऑप्शन है टू लॉगिन, क्लिक हेयर। जैसे मेरी यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने पहले से डाल रखे हैं तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देता हूँ 7 9 U 8 X 5, लॉगिन। मैं
मेरे स्कूल की वेबसाइट पर पहुंच गया हूं। यहां पर कुछ इस तरह से पेज खुल रहा है, स्टूडेंट नॉमिनेशन। यहां पर आप जो स्टूडेंट का नॉमिनेशन किया है उनकी डिटेल देख सकते हो, और यहां पर जिन जिन बच्चों को अवार्ड मिला है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और बात करने के लिए या कुछ डिटेल अपडेट करने के लिए आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट नॉमिनेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार में आप 5 बच्चों का नॉमिनेशन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे 6th क्लास। यहाँ पर कोई भी आप नाम जिस बच्चों का आप लेना चाहते हैं, जैसे मैंने ले लिया रवि, उसके फादर का नाम आप देखिए पवन, और यहाँ पर उसके आधार नंबर। फिर आपको यहाँ पर जाके इसके क्लिक करना है नॉमिनेट स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चों को नॉमिनेट कर लेने के बाद फिर आपको उसकी बाकी डिटेल्स सभी भरनी होती हैं, जैसे उसकी बैंक डिटेल, उसका आपको फोटो अपलोड करना होता है, मोबाइल नंबर भी डालने होते हैं, और साथ में जिस जो प्रोजेक्ट वो बनाने वाला है उसकी हेडिंग और उसके बारे में शॉर्ट में एक पेज में आप जानकारी अपलोड करनी है आपको, और आप उसका एक रफ डायग्राम भी, आरेख भी बना सकते हैं, ताकि जो टीम है वो उसको देखेगी तो उनको समझ में अच्छा आएगा। आप जो भी बना रहे हैं उसका हेडिंग अच्छा लिखें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। अगर आपने आइडिया अच्छा दिया और तो आपका इस आइडिया को प्रोजेक्ट, आपका मॉडल बनाने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और उसके बदले आपको 10,000 रुपये केंद्र सरकार देगी, वो सीधे आपके खाते में आएंगे। इसके बाद आप प्रोजेक्ट को बनाकर आपको जिला स्तर पर इसको प्रेजेंट करना होता है, जिला स्तर से आपको राज्य स्तर पर प्रेजेंट करना होता है, राज्य से फिर आपको और आकर आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी मॉडल बनाए आपने अच्छा है, तो उसको आप केंद्र लेवल पर भी प्रेजेंट करेंगे, और आपको हो सकता है आपका जो भी आपने बनाया है, नया आविष्कार किया है, वो अगर बहुत ही अच्छा हो तो आपको राष्ट्रपति से भी मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो प्यारे बच्चों और अभिभावकों और टीचर्स, आप इस योजना का लाभ जो योग्य बच्चे हैं उनको दिलाएं, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस योजना की हम जानकारी दें, और ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। साथियों, आगे जो फॉर्म को भरने का प्रोसेस है कि कैसे अपलोड करना है, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फोटो कैसे अपलोड करते हैं, इस विषय में, इस बारे में भी अगर आप वीडियो के माध्यम से जानकारी चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो। फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी जानकारी मैंने इंस्पायर्ड अवार्ड के बारे में देने की आपको कोशिश की है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, और टीचर्स, अभिभावक और बच्चों को। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरह के और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।